अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बगदाद में एक बड़ा सौदागर रहता था। दूर दूर से ख़रीदार इसके यहाँ पहुँचते और अपनी ज़रूरत का सामान ख़रीदते। इसी के साथ साथ खुदा ने इसको घरेलू सुख भी दे रखा था। इसकी बीवी नहायत खूबसूरत, नेक, होशियार और सलीका मंद थी। सौदागर भी दिलो जान से इसको चाहता था और बीवी भी सौदागर पर जान छिड़कती थी और नहायत ऐशो सकून और अमन मोहब्बत के साथ इनकी ज़िंदगी बसर हो रही थी। सौदागर कारोबारी ज़रूरियात से कभी कभी बाहर भी जाता और कई कई दिन घर से बाहर सफ़र में गुजारता। बीवी ये समझे कि ये घर से गायब रहना कारोबारी ज़रूरत से होता है, मुतमईन रहती। लेकिन जब सौदागर जलती जलती सफ़र पर जाने लगा और ज़्यादा दिनों तक घर से गायब रहने लगा तो ज़रा बीवी खटकी और इसने सोचा ज़रूर कोई राज है। घर में एक बूढ़ी मुलाजमा थी। सौदागर की बीवी को इस पर बड़ा भरोसा था और अक्सर बातों में वो इस मुलाजमा को अपना राजदार बना लेती। एक दिन इसने बुढ़िया से अपने शब्बे का इजहार किया और बताया कि वह बहुत बेचैन है। बुढ़िया बोली, बीबी आप परेशान क्यों होती हैं? परेशान हो आपके दुश्मन। बुढ़िया राज मालूम करके आई और बीबी को सारा किस्सा सुनाया। सुनते ही बीबी की हालत गैर हो गई। सौकन की जलन महसूस हो रही है, लेकिन जल्द ही इस बीबी ने अपने आप को संभाल लिया और सोचा कि जो कुछ होना था हो चुका है, अब मैं परेशान होकर अपनी ज़िंदगी क्यों अजीरन बनाऊँ। और इसने मियाँ पर कतान जाहिर न होने दिया कि वो इस राज से वाकिफ़ है। वो हमेशा की तरह सौदागर की खिदमत करती रही और अपनी मोहब्बत में ज़रा सा फ़र्क न आने दिया। दूसरी तरफ शरीफ सौदागर ने भी अपनी बीवी के हकूक़ में कोई कमी न की और अपने रवैये में कोई तब्दीली न आने दी और हमेशा की तरह खलूस मोहब्बत से बीवी के साथ सलूक करता रहा। शोहर के इस नेक बर्ताव ने बीवी को सोचने पर मजबूर कर दिया और उसने ये तय कर लिया कि वह शोहर के इस जायज़ हक़ में हरगिज़ रुकावट नहीं बनेगी। इसने सोचा, क्या आखिर मुझसे जाहिर करके भी तो दूसरा निकाह कर सकता था। शोहर ने इस तरह छुपाकर ये निकाह क्यों किया? इसलिए तुम मेरे दिल को तकलीफ़ होगी, मैं सौकन को बर्दाश्त न कर सकूँगी। कितना प्यारा है मेरा शोहर, इसने मेरे नाजुक जज्बात का कैसा ख्याल रखा। फिर इसने इस नई दुल्हन की मोहब्बत में मस्त होकर मेरा कोई हक भी तो नहीं मारा। बीवी की सोच कर बिल्कुल मुतमईन हो गई। सौदागर बीवी का खुशगवार सलूक और मोहब्बत का बर्ताव देखकर यही समझता रहा कि शायद खुदा की इस बंदी को यह राज मालूम नहीं है और पूरी एहतियात करता रहा कि किसी तरह मालूम ना होने पाए और दोनों की हंसी खुशी प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी गुजरती रही। और आखिर कुछ सालों के बाद सौदागर की ज़िंदगी के दिन पूरे हुए और इसका इंतकाल हो गया। सौदागर ने चूँकि दूसरी शादी शहर से दूर बहुत खामोशी से की थी, इसलिए इसके रिश्तेदारों में भी किसी को भी ये राज मालूम न था। सभी देखते रहे कि सौदागर की बस यही एक बीवी थी। लेकिन इस नेक बीवी ने यह भी गवारा ना किया कि वो सौदागर की दूसरी बीवी का हक मार बैठे। बेशक किसी को ये खबर न थी और ना इसकी तरफ से कोई दावा करने वाला था, लेकिन अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम था, जिसके हजूर हर इंसान को खड़े होकर अपने अमाल का जवाब देना है। सौदागर की बीवी ने सोचकर काम गई और इसने ये तय कर लिया कि जिस तरह भी होगा वो अपने हिस्से में से आधी रकम ज़रूर अपनी सौकन बहन को भिजवाएगी। उसने एक नहायत मुतबर आदमी को ये सारी बात बताकर अपने हिस्से की आधी रकम इसके हवाले की और अपनी सौकन बहन के पास रवाना किया और इसके यहाँ कहलवाया कि अफसोस आपके शोहर दुनिया में नहीं रहे, मुझे इनकी जायदाद में से जो कुछ मिला है इस्लामी कानून के मुताबिक आप बराबर की शरीक हैं। मैं अपने हिस्से की आधी रकम आपको भेज रही हूँ। कासिद ने जेब से एक ख़त निकाला
और कहा, इसको पढ़ लीजिएगा, आप फिक्र मंद ना हो। इसने ख़त पढ़ा तो बोली, मैं किस तरह से दिल से आपका खलुस का शुक्रिया अदा करूं कि आपने इनके तरके में से अपने हिस्से की आधी रकम मुझे भेजी। मैं आपकी इस नेक रोश बहुत मुतासिर हुई। आपका ये आसार वो सब्र तहम्मुल वाक़ हैरत अंगेज़ है। मैं तो आपकी इस कमाल से इंतहाई मुतासिर हूँ। दौलत किसको काटती है, दौलत के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता, लेकिन आपकी ईमानदारी को यह जानते हुए कि मेरा निकाह राज में और वहाँ कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसको इसकी खबर हो, खुदा आपको खुश रखे, लेकिन मैं इस हिस्से की मुस्तहिक नहीं रही हूँ। खुदा आपका ये हिस्सा आप ही को मुबारक करे। ये सही है कि सौदागर मरहूम ने मुझसे निकाह किया था, और ये भी सही है कि वो मेरे पास आकर कई दिन तक रहे। बेशक हमने बहुत दिनों ऐशो मुसरत की ज़िंदगी बसर की, लेकिन इधर कुछ दिनों से ये सिलसिला ख़त्म हो गया था। सौदागर ने मुझे तलाक दे दी थी। इस राज की आपको भी खबर नहीं। आपकी बहन सौदागर की बीवी ने इस खातून का ये ख़त पढ़ा तो बहुत मुतासर हुई, और इस सच्चाई दयानत और नेकी ने इसके दिल में घर कर लिया, और फिर दोनों में मुस्तकबिल तौर पर खलूस व मोहब्बत का रिश्ता कायम हो गया। मर्द जब बाहर से अपने घर वालों के लिए रोज़ी रोटी कमा कर आता है तो उसे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, कई लोगों की गालियां तक झेलनी पड़ती हैं, मगर वो सब कुछ सिर्फ अपने से जुड़े रिश्तों के लिए बर्दाश्त करता है। औरत को काबू करने का एक तरीका है, और वो है औलाद, जिससे औरत मर्द के साथ वाबस्ता रहने पर मजबूर हो जाती है।